सुबह सुबह मैं ये बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्जी के लिए पहले भिंडी को अच्छे से काट दिया, तेल में थोड़ा सा नमक डाला और इसको अच्छे से हमने ऐसे ही शैलो फ्राई करना है। तब तक करना है जब तक ये एकदम रेड रेड नहीं हो जाता। फिर उसके बाद मसाला बना के इस टाइप के मसाले लेना है, इसको पीस दो, पीस के फिर इसके बाद में इसको बना दो। और इधर बेबी को आज मैं फार्मूला फीड करा रही हूँ क्योंकि इसको थोड़ा सा दस्ते लगी है, तो इस वजह से फार्मूला फीड से थोड़ा सा इसका लूज मोशन सही हो जाएगा। और क्या, हमारे घर में एक इंसान है, इंसान मतलब घर का एक मेंबर है, उसको जब भी भूख लगेगा ना वो इस टाइप के सो करेगा कि देखो मुझे ना भूख लगी है और मैं तो बिल्कुल लावारिस हूँ, मुझे कोई मतलब कोई प्यार नहीं करता, कोई लाड नहीं करता। इधर क्या हुआ है कोको? ठीक है कोको, क्या हुआ है? ऐसे ऐसे क्यों, ऐसे एकदम ऐसे लावारिस की तरह क्यों पड़े हो? कोई तुम्हें लाड नहीं कर रहा है क्या कोको? ले कुकुड़ा अंदर कैसे आया, कौन लेके आया तुझे अंदर? ये उसके पापा है। और ये इस टाइप के मसाले बना देना है, कुछ नहीं, धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्च और नमक डाल के प्याज और ये टमाटर को, और इधर इसको फ्राई करके रख दिया था अपन ने। फिर ये जैसे ही मसाला पक जाएगा इसको डाल देंगे और ये अपना भिंडी की सब्जी तैयार। आज बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है जो कि कैप्चर नहीं हो पा रहा शायद, बाकी बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी और ऐसे हो रखा है। थोड़ा और पकेगा। हे गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह का दिन, अभी टाइम हमारे घर पे क्या है लगा हुआ नहीं है, क्या बोलते हैं, घड़ी नहीं लगा हुआ है, तो वॉल लगा हुआ नहीं है, तो अभी टाइम जो हो रहा है 8:12, खांसी मेरी सही नहीं हुई अभी तक। और पुच्चू जी जो है उस उधर सो रहे थे, मैंने क्या किया आज पुच्चू को बताती हूँ आपको, वो सो रहा था, मैं उठा रही हूँ, उठ नहीं रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, पुच्चू को उठाने का एक ही तरीका है, पंखा बंद कर दो और लाइट ऑन कर दो, तो पुच्चू के नींद टूट जाता है। पुच्चू के पापा के भी सेम चीज़ है, लाइट ऑन कर दो, पंखा बंद कर दो, और पुच्चू के भी सेम चीज़ है दोनों के, तो ये चीज़ है। और अभी मैं शायद आज हम हॉस्पिटल जाएंगे, पुच्चू के वैक्सीनेशन करवाना है, ये मेरे भी थोड़ा सा खांसी वासी के कुछ सिरप वगैरह ले आऊँगी, और ये चीज़ है। और सुबह के चाय हमने पी ली, मैं चाय पीने के टाइम आप लोगों के साथ शेयर करती मी टाइम, बट मैंने कहा कोई बात नहीं। बट आज ये अचुंब कैसे हुआ पता नहीं, पुच्चू अभी तक सो रहा है। पुच्चू बाहर बारिश हो रही है गाइस, तो पता नहीं हम कैसे जाएंगे आज, गुरुवार है और वैक्सीन आज ही लगता है उधर। और अभी हम जा रहे बाहर, थोड़ा सा क्या है कि कॉलोनी से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, तो पुच्चू को आज टीका लगवाना है। आज उजल पुच्चू इधर, मौसम बहुत ही भारी हो रखा है, बहुत ही शानदार मौसम, इतना बढ़िया मौसम के साथ में मुझे तो बाहर घूमते ही मेरी तबीयत सही हो जाती है। इतना ग्रीनरी ग्रीनरी मौसम, इतना प्यारा। सो गाइस अभी हम जाके आ गए हॉस्पिटल, देते कुछ काम बना नहीं उधर, एक्चुअली आज वैक्सीनेशन ख़त्म हो गया था, हम थोड़ा लेट चले गए इस वजह से, और मेरे भी तबीयत ठीक नहीं बिल्कुल भी, और पुच्चू भी तबीयत, पुच्चू के भी सही नहीं है, पुच्चू भी सो रहा है। पुच्चू स्लीपिंग, पुच्ची पाई, पुच्ची पुच्ची,
पुच्चू भी सो रहा है। और सुबह मैंने खाने में कुछ खास बनाया नहीं, नूडल्स बना दिए थे, अभी शाम को बनाऊंगी, अंडे है चावल बनाऊंगी, या तो फिर क्या बोलते हैं, मन चावल का ज़्यादा है, ताकि क्या गरम गरम चावल और अंडे की सब्जी और अचार के साथ में थोड़ा हो सकता है मेरे जुकाम निकल जाए, तो अभी तक यही सोचा हुआ है, चावल अंडे की सब्जी और अचार खाने का। अगर अक्षय जी बोलेंगे उनको रोटी खाना है तो मैं रोटी बना दूँगी, ये चीज़ है। बाकी मेडिसिन ले लेके पागल हो चुकी हूँ, तबीयत सही हो नहीं रहा, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई एकदम से। और आप लोगों से मिलती हूँ कुछ, और आज तो कुछ किया नहीं, बाहर गई थी थोड़ा सा बट कुछ काम नहीं बन पाया। ठीक है गाइस, तो आप लोगों से मिलती हूँ मैं बाद में। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ रोटी, और आप लोगों को गाइस बता दूँ, मेरे वेट अभी लूज हो रहा है, 2 kg वेट था, 88 था, 86 हो गया है वापस, अब पता नहीं इतना कम क्यों हो रहा है। मैं नहीं चाहती हूँ अभी कम करना, 2-4 महीने बाद में कम करती। और मैंने ये सब्जी बना दी है, लाओ लाओ पास में लाओ कैमरे को, ये मैंने सब्जी बना दी कद्दू की, huh? और ये मेरे रात के काढ़ा, हालत हो गई ख़राब, वीडियो बना नहीं पा रही हूँ गाइस, नहीं बनाने का रीज़न इतना सही है, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, हो सकता है मैं 4-5 दिन के लिए वापस छुट्टी पे जाऊँ,
तबीयत बहुत ख़राब है, आप लोग प्रे नहीं कर रहे शायद, मुझे ये लग रहा है। प्रे करिए ताकि ये लेना नहीं पड़े, अब ये ले लेके मैं परेशान हो चुकी हूँ। बहुत ही बेकार टेस्ट है ये।